दोस्तों आज की कहानी है बाहु, तुम अपने संस्कारों का घमंड मत करो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मोहिनी जी बड़ी तेज तर्रार मिजाज वाली सास थी। उनकी बहुएं उनसे बेहद घबराती थी। छोटी बहू नैना उनके स्वभाव से परिचित हो गई थी, पर संस्कार वश कुछ बोल नहीं पाती। मोहिनी अपनी बेटी अर्चना से फोन पर, जमाई जी कुछ सुधरे या अभी वही हाल हैं? कहाँ माँ, वो ही हाल है। हमारी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो जाए वही बहुत हैं। मॉल, शॉपिंग, मूवी के तो सिर्फ सपने देखो। मुझे तो शुरू से ही पसंद नहीं थे न तेरा ससुराल, न मनोज जी और न ही तेरा शहर बरेली। तेरे पिताजी जाने क्या देख कर आई। मोहिनी जी भारी मन से फोन रख दी। तीनों बहुओं को सुनाते हुए ये तीनों पता नहीं कैसे कर्म करके आई, जो इनको अच्छा घर परिवार मिल गया। पति आगे पीछे घूमते हैं जोरू के गुलाम कहीं के। एक मेरी अरसना इकलौती लड़की इतना दहेज देने के बाद भी सुखी नहीं है। दोनों बहुएं सुनकर सिर्फ मन में कूड़ती रह जाती। छोटी वाली बहू नैना से रुका नहीं गया, बोल पड़ी, माँ जी मनोज जी दामाद पत्नी बच्चों की जरूरतें पूरी नहीं कर पाते तो वो निकम्मे नाकारा हैं। हमारे पति हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं तो वो जोरू के गुलाम हैं। आप थोड़ा खुल कर बताएगी क्या कहना चाहती हैं मनोज जी? अगर दीदी को खुश रखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, और नहीं तो क्या? मोहिनी गुस्से से बोली, तो फिर तो वो भी हमारे पतियों की तरह जोरू के गुलाम बन जाएंगे। कैची की तरह जुबान सलने लगी है तेरी, काट के हाथ में दे दूंगी। मेरे मुंह लग रही है, मोहिनी ने बाकी दोनों बहुओं को गुस्से से देखा तो वो नैना का हाथ पकड़ रसोई में ले गई। अरसना का फोन आया, माँ बरेली वाली बुआ जी का कल रात निधन हो गया, पिताजी तो रहे नहीं, आप आ जाओ। अब आप ही इकलौती भाभी हो उनकी, तो रिश्ता निभाओ। रहने दे, मुझे कौन से सुख दिए तेरी बुआ ने, सास के साथ मिल बहुत दुख दिए। सिर्फ लेने ही आती थी, तेरे पिता होते तो जाना मजबूरी होता, अब क्या करना है? माँ ये सब बातें धीरे बोलो, घर में भाभियाँ ना सुन ले। तुम अपनी ननद के साथ जैसा रिश्ता रखोगी तो वो यही सीखेगी। अगर
मुझसे ऐसा ही सली तो तुम किस मुंह से उन्हें टोकोगी। मोहिनी कुछ जवाब देती उससे पहले ही उसकी नजर नैना पर पड़ी। इनकी इतनी मजाल जो मेरी बेटी से कुछ गलत कहे या मान सम्मान में कमी रखे। मोहिनी ने नैना को आंख दिखाते हुए कहा, माँ देख लो आ जाओ तो अच्छा रहता, बाकी आपकी मर्जी। अर्सना ने फोन रख दिया। नैना मुस्करा रही थी। मोहिनी जी इस कुटिल मुस्कान से सिड़ गई। क्यों री सलोगी मेरी बेटी से गलत है इतनी मजाल। नैना तो मौके की तलाश में थी। दोनों देवरानियों के रोकने से भी नहीं रुकी। बात मजाल की नहीं, माजी संचकारों और परवरिश की है। आपके गलत और बुरे व्यवहार के बाद भी हम तीनों बहुएं चुप रहती हैं। ये आपका रौब नहीं, हम तीनों के घर परिवार से मिले संचकार हैं। सो आप निश्चिंत रहे, हम आपके जाने के बाद भी दीदी के साथ गलत नहीं सलेंगे। मोहिनी के तो सहरे का रंग ही फीका पड़ गया। नैना ने जवाब देने लायक ही नहीं सोड़ा। बड़ा घमंड है तुझे अपने संचकारों पर, मोहिनी जी गुस्से से बोली। घमंड आपकी भाषा में बोल सकते हैं, नैना ने जवाब दिया। मोहिनी जी के मुंह पर ताला पड़ गया। दोनों देवरानियों ने नैना को समझाया, आज तुमने सास के मुंह लगकर अपने संचकारों का नहीं बेवकूफी का परिचय दिया है। नैना सोच में पड़ गई, क्या ये घमंड था, क्या ये पाप था। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।